सिद्धार्थनगर में पहुंची भाजपा की आशीर्वाद यात्रा के दूसरे दिन केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन आशीर्वाद के माध्यम से जनता से परिचय और आशीर्वाद लेना है। जिस तरह विपक्षी दलों ने नए बने मंत्रियों से सदन में परिचय नहीं होने दिया, इसी माध्यम से लोगों से परिचय कराना ही इस आशीर्वाद यात्रा का मकसद है। इसके अलावा पंकज चौधरी ने कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य 2022 के चुनाव से नहीं है, समय सिर्फ उत्तर प्रदेश से ही मंत्री नहीं और प्रदेशों से भी मंत्री बने हैं, वहां भी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है। पिछड़ी जातियों की जनगणना के सवाल के पर मंत्री ने कहा कि भाजपा कभी भी जाति की राजनीति नहीं करती है, यहां सबका साथ सबका विकास है। भाजपा के लिए हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना को पहुंचाना अर्थव्यवस्था के सवाल पर मंत्री ने कहा कि इस महामारी में भी हमारा ग्रोथ अच्छा है, बहुत जल्द हम ग्रोथ 4 पॉइंट पर आ जाएगा। सिद्धार्थनगर से लाइव टीवी एक्सप्रेस के लिए अजहर हुसैन फारूकी की रिपोर्ट। जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य है कि आम जनता के बीच में हम लोग जाएं, उनका आशीर्वाद भी लें, उनके दुख दर्द को भी सुनें और भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके तक पहुंची कि नहीं पहुंची, इसका भी चिंतन हम लोग करें। और जन आशीर्वाद यात्रा एक मकसद और है जो मैं अभी पहले भी बताया कि मंत्रियों का परिचय न होने के नाते प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम स्वयं जनता के बीच में जाएं और अपने क्षेत्र से जाने के पहले कम से कम 4, 5, 6 लोकसभा में होते हुए जनता का आशीर्वाद लेते हुए कार्यकर्ताओं से मिलते हुए फिर अपने क्षेत्र में जाएं ताकि जनता में खुद परिचय हमारा हो। दूसरी बात, सामने चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि मतलब ये चुनावी शुरुआत है इस जन संदेश यात्रा की? देखिए, राजनीतिक दल के लिए कभी राजनीति का शुरुआत नहीं होता, चुनाव का शुरुआत नहीं होता, और अगर आप इस यात्रा का मकसद चुनाव से निकाल रहे हो तो देश में सभी प्रदेशों से कई ज्यादा प्रदेशों से मंत्री बनाए गए और जन आशीर्वाद यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि जहां जहां से मंत्री बनाए गए हैं वहां वहां पर जन आशीर्वाद यात्रा निकल सकती। दूसरी बात, आप पिछड़े जाति के मंत्री हैं और विपक्ष ये मुद्दा बना रहा है कि भाजपा जो है वो जनगणना नहीं करवा रही। देखिए, पिछड़ों के लिए जितना भी काम हुआ है अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी ने नहीं किया है और कुछ पार्टियों का मकसद होता है पिछड़ा केवल एक जात होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछड़ा पिछड़ा होता है, अगड़ा अगड़ा होता है, लेकिन भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास लेकर हमें चलना है। ऐसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि भारत सरकार की जितनी भी योजना है उसमें कहीं जाति और धर्म का कोई बंधन नहीं, जो अंतिम व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है उस योजना के तहत उसको लाभ मिलना। सिर्फ पिट्टू क्या आता था और आज सब के बावजूद देखिए, इतनी बड़ी महामारी के बाद 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, 6 लाख 28 करोड़ का एक पैकेज दिया गया, तमाम सुविधाएं जनता को दिया जा रही है ताकि महंगाई के साथ साथ अर्थव्यवस्था ना बिजक बनाने पाए और आज अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी संकट के बाद भी ठीक ढंग से चल रही है और बहुत जल्दी हम 4% पे आने वाले हैं। सर, महामारी की वजह से आम नागरिकों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं है,